कितना है 2475 की बजाय, अब तो इन्होंने रखा है ना 2800 कितना रखा है। चले ओके ओके ठीक ओके राइट एक मिनट देखे जी ये ठीक है देखें मौजूदा वजीर खजाना बड़े मशहूर हैं शमारियात की और एदाद व शुमार की। अब इन्होंने 2810 रखा है टारगेट, पहले इन्होंने 2400 कुछ में से वो भी गेन नहीं किया। ये सारे देखें 200 की स्पीड से भाग रहे थे, वो 200 की स्पीड से भाग रहे थे और जो ग्रोथ रेट का वो शोर डाल रहे हैं 4.4 का, मैं यकीन से कह सकता हूं क्योंकि इन्होंने अप्रैल की जो नेगेटिव है ग्रोथ उसको शामिल नहीं किया। ये हार्डली 3.67 है और दिया क्या गरीब आदमी को 10%, खुद ये को और सारे मामलात उन मुल्कों से ले जा रहे हैं और उस रेलवे को इन्होंने कहा कि हमने इतने अरब रुपया देना है, 12 इंजन 4 इंजन जो हैं वो खराब हो गए, वो और 1971 के बाद ये साल ऐसा है जिसमें सबसे कम सबसे ज्यादा तरक्याती काम हुए हैं। मुल्क में पैगाम दे रहे हैं कि हमने महंगाई को इन्होंने और 20,000 रिटेलर पे जो रख रहे हैं इसका मतलब है सारी कौम कुंडे डालेगी। कुंडा इसलिए डाला जाता है कि लोग बिजली के बिल नहीं दे सकते। ये जो कह रहे हैं हम 25 लाख रिटेलर लाएंगे जो 20,000 रुपए से ज्यादा बिल देगा बिजली का बिल, मैं समझता हूँ कल ये कहेंगे कि हम पेट्रोल पे भी 10 रुपए लाने लगे हैं क्योंकि इस तरह वसूल करने हैं। मैं समझता हूँ ये टोटल मक्खी पे मक्खी मारी है इन्होंने। और दुनिया में मशहूर मनी लॉन्ड्रिंग, देखे ना हमारे तो घर में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि दुनिया का मशहूर मनी लॉन्ड्रिंग केस के फिनांस मिनिस्टर ने जो बिल पेश किया है ये अवामी तौकात अवामी ख्वाहिशात और अवामी सोचों के बिल्कुल बरक्स है और आप देखेंगे ये कोई टारगेट नहीं अचीव कर सकेंगे। सिर्फ बातें हैं, घर में बिजली नहीं है, ये टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। $780 मिलियन की पिछले महीने जो है वो एक्सपोर्ट कम हुई है। इन्होंने कहा कि फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी है, हाँ पहले बढ़ रही थी फॉरेन रेमिटेंस 12 से 18% समय 12% बढ़ रही थी, वो भी 6% रह गई है। इन्होंने कहा सेविंग बढ़ रही है, बिल्कुल गलत कहा है, सेविंग बढ़ रही थी वो भी 5% पे रह गई है। इनका एक साल नाकामी का जिद का एगो का साल है और बाद में जो उन्होंने सियासी पैगाम दिया कि जनाब इस मुल्क में सड़कों पे ना जाए तो कहाँ जाए, कब्रस्तान की कब्र मुफ्त करार दे दें, जिंदगी की तो गुंजाइश नहीं है, कम से कम कब्र और कफन मुफ्त हो जाए, मेरा ख्याल है लोग सुकून में होंगे। देखें अल्ताफ भाई के केस में मैं समझता हूँ कि MQM बेहतर तौर पर फैसला कर सकती है और वो ज़्यादा तहम्मल और बुर्दबारी से मुजाहरा करेंगे। 24 से 36 घंटों में पता लग जाएगा केस की नोयत क्या है। मैंने तो ना TV देखा नहीं है इसलिए मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कराची का अमन सब का अमन है। कराची में अमन होगा तो मैं समझता हूँ सारे मुल्क में और बैरून मुल्क बेहतरी के हालात होंगे।